परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। आप सबको भेजते हैं, जिस समय आचार्य भगवान का यहाँ आगमन होना था, एक दिन पहले ही इन्होंने जब आचार्य भगवान के पावन चरणों को छुआ तो उस समय उनको ये बताते हैं ऐसा करंट सा लगा कि जैसे भगवान की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर गई हो। और उसी क्षण उन्होंने ये कहा कि जब ऐसी पवित्र आत्मा के चरणों को छूने का सौभाग्य मिला तो मैं हिंसा का कोई कार्य नहीं करूंगा। और जीवन पर्यंत के लिए इन्होंने मांस खाने का और मांसाहार का जो व्यापार था उन दोनों का इन्होंने त्याग किया। 14 करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने लात मार के ठुकरा दिया। उन्होंने कहा जब आचार्य भगवान के चरण मुझे मिल गए तो पैसों की आवश्यकता नहीं, दुनिया की हर वस्तु। आज उन्होंने उस आचार्य भगवान के पावन चरणों में, और भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भैया, सब लोग नहीं सुनो भैया जी, सब लोग नहीं, सिर्फ यहाँ पर जिनको बुलाया जाए वही आएंगे, इधर आओ आप। और मेरे बीच एक मिनट संजय जी रुक जाओ, आप अपने मुख से बोलो। आचार्य गुरु चरणों में कोट कोट प्रणाम। आचार्य ने जो आशीर्वाद दिया उसके आगे जीवन, पैसा, सब कुछ जीरो जीरो जीरो। इससे बड़ा इस कलयुग में श्री आचार्य भगवान से कोई बड़ा बड़ी अदालत नहीं है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। स्वयं भगवान के दर्शन और आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है, इनकी जय जयकार हो। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ये पूरा 14 करोड़ का ठेका, 359.8 पानी के वोट, सब कुछ उसी वक्त से हमने अपने मेन मैनेजर को फोन करके और कह दिया कि जो भी कारोबार में पैसा है, जो भी इसमें प्रॉफिट है, सब आप लोग बांट लेना। मैंने आज से इसी वक्त से कोई फोन मेरे पास नहीं आया तो मैं इस कारोबार को त्याग दिया। ता जिंदगी ना ही मांसाहार करेंगे और ना ही कोई ऐसा कारोबार करेंगे। महाराज जी के चरणों की सेवा में ही मेरा जीवन निकल जाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ऐसा मुझे आशीर्वाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद मुझे ऐसा प्राप्त होगा। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और प्रभु के दर्शन हो गए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अरे अमृत की बरसे बदरिया, विद्या सागर तोरिया। बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पर एटकॉन कंपनी जो बहुत बड़ी है और उसके ठेकेदार जो निरंतर हमें सहयोग कर रहे हैं, उनके श्री प्रतिज्ञा जी, द्विवेदी जी और PM साहब, अगर मेरी आवाज